वो ग्रीन सिग्नल मिल गया कैप्टनसी का आगे वर्ल्ड कप के लिए? नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि ग्रीन सिग्नल तो पहले भी था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आगे भी होगा, तो चीज़ें अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है और कोई ऐसी खास बात नहीं है। नहीं मैंने कोई हिदायत दी थी ऐसी कोई खास बात नहीं थी। देखें पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया था 136, तो आज भी देखें अच्छा खेले, कोई मेरी कोई हिदायत नहीं थी। निजा डार ने ज़बरदस्त बैटिंग की, आलिया ने उससे पहले, उमायमा ने अच्छे शॉट्स खेले, तो देखें इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वुमेंस का वो इतना अच्छा नहीं है, तो जो आपके पास लड़के हैं आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैक करने की ज़रूरत है। और आपके सामने जो है एक वर्ल्ड चैम्पियन टीम खेल रही है, तो एटलीस्ट आपकी टीम इनके खिलाफ मुकाबले भी कर रही है, तो यही बड़ी बात है। तो आई थिंक जितना सपोर्ट करेंगे तो और भी जो लड़कियाँ हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगी। नहीं देखिए आई थिंक जो बोर्ड का स्टांस है वो आई थिंक बोर्ड वालों को ज़्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने क्या स्टांस लेना ठीक है। जो जितना हम लोग कर सकते थे जितना हमने किया वहाँ पे, ऑब्वियसली अगर मैंने गलती की थी तो गलती को माने, और जो जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट थी उस वक्त जो ICC की रिक्वायरमेंट थी वो हमने की। आई थिंक जो PCB का स्टांस है वो आई थिंक उस बारे में PCB ज़्यादा बेहतर बता सकता है। नहीं गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो उन लोगों को नजर ही जिन्होंने इस चीज़ को उछाला है। देखिए एक तो पहला आखिरी जवाब को पहले दे दूंगा कि जो मेरी नेचर है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, आप लोग यहाँ भी खेले, आप लोगों ने मुझे क्लब क्रिकेट से कवर किया है, चाहे मेरे कोच हों अंडर 19 के मंसूर आना जब मैंने 19 का वर्ल्ड कप भी जीता था, तो मैं कप्तानी ऐसे ही करता था। तो ये मेरी नेचर है कि मैं पीछे से बोलता रहता हूँ, बैक करता रहता हूँ, तो अगर मैं अपनी नेचर से हट जाऊँगा तो शायद मेरा गेम भी हो सकता है कि शायद उसमें फ़र्क आ जाए। तो ये मेरी नेचर है, तो कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हुई हैं ये चीज़ें आगे ना हो, लेकिन जिस तरीके से मैं अपनी टीम को बैक करता हूँ और वो बैक करता रहूँगा इंशाल्लाह अगर मुझे आगे मौका मिलता है। और जहाँ तक रही बात कप्तानी की, तो देखें मुझे नहीं मालूम कि अभी ऐसा क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसे ही होता शुरू से चला आया कि सीरीज टू सीरीज जो है कप्तान अनाउंस होता है, तो हम लोग वैसे ही खेलते चले आए, इंशाल्लाह आगे भी खेलते रहेंगे। देखें पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूंगा, देखें यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ सारा, तो सिर्फ एक वर्ड को लेकर जो है ना वो काफ़ी सारा जो है वो इशू बनाया गया। अगर मुझे उसको रेसिस्ट कहना होता या मुझे उसको कोई टॉन्टिंग करनी होती, तो कि ये जो है पहले मैं इस बारे में बात नहीं हो पाई या रिपोर्ट पर जब भी आए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैं उनसे मिला भी, तो जब उन्होंने उनसे बात हुई, जब मैं उनसे ये सॉरी करने के लिए गया कि यार मैंने आपको ये वर्ड ज़रूर बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपने मुझे ये वर्ड जो है जो इस्तेमाल किया वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरी मदर के बारे में जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि मीडिया में सिर्फ काले ही वर्ड्स को जो है वो ज़्यादा उछाला गया कि रेसिस कर दिया, गैर अखलाकी हरकत कर दी, बदने गैर इंसानी हरकत कर दी। तो ऐसा होता तो मैं उसको पूरे कॉन्टेंट के अल्फाज में उसको ये कहता, तो मैंने उसको समझाया कि एज अ मुस्लिम जो है वो हमारा ये बिलीव होता है, और अगर मैं आपके सामने आज यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान का कप्तान हूँ, तो यह हमारा कोई भी प्लेयर आज टीम में खेल रहा है, तो आज हम लोग अपनी माओ की दुआओं की वजह से यहाँ पे मौजूद है। तो मेरा कंटेंट यही था, ठीक है मैंने आपको वर्ड का उसकी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन आपकी माँ के बारे में मैंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। फिर हमने उसको अपने इस्लामिक तरीके से उसको एक मिसाल भी दी, तो उनके मैनेजर भी जब बैठे हुए थे मूसा जी, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से यह इस्लाम में ऐसा ही होता है। तो यही वजह थी, फिर उन्होंने बोला ओके, मैं समझा कि शायद जो कि यही प्रिटेंड किया जा रहा था कि मैंने उस वर्ड को लेके ज़्यादा शोर मचाया गया, अगर मेरा पूरा कंटेंट देखते तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो एक वर्ड था, वो स्लिप ऑफ टंग, आपको पता है कि हमारे यहाँ नॉर्मल ये बात जो है वो निकल जाती है, तो बस वो थी उसकी चीज़ की गलती हुई, तो वो सारा हो गया। लेकिन और जहाँ तक रही बात कि शुएब भाई कप्तानी में खेलना चाहते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जितने भी लड़के हैं सारे बहुत अच्छे हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि कमबैक तो होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चीज़ें सारी अल्लाह की तरफ से होती हैं, और ये जो भी चीज़ हुई है
ये अल्लाह की तरफ से ही हो सकता है, इसी में कोई बेहतरी होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो टीम में कमबैक ज़रूर होगा। और दूसरा क्या था आपका, कि वापस आना चाहिए। देखिए जब बात यह कि जब चार मैचों का बैन लग जाता है तो आपका वहाँ पे रहना जो है, आप चार मैचों का आपका बैन है, आप चार मैच आप टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, और मैं समझता हूँ कि आई थिंक पिछले 5 महीने से आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि अगर हम 6 तारीख को वहाँ मैच खत्म होता, 7 तारीख को यहाँ पे आते और फिर 9 या 10 को हमने PSL के लिए चले जाना था, तो ऐसी नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि रेस्ट मिल गया वो ज़्यादा अच्छा है। देखें अभी तो टेस्ट क्रिकेट बहुत दूर है, तो उस पर बात करना मैं नहीं समझता कि बेहतर रहेगा, क्योंकि 8 महीने के बाद है, उससे पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद समझ लें एक नया दौर दोबारा जो है वो स्टार्ट होगा, तो अभी टेस्ट सीरीज पे बात करना आई थिंक मैं नहीं समझता कि बेहतर है। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया और जिस तरीके से भरपूर सपोर्ट किया मुझे, और जो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़बरदस्त, PCB का बहुत शुक्रिया ऑब्वियसली, और आवाम की तो हमेशा सपोर्ट रही है, जितना भी हमेशा हर वक्त में मुश्किल वक्त में उन्होंने सपोर्ट किया और इस वक्त में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अल्लाह ने चाहा तो देखें फैसला क्रिकेट बोर्ड ने ही करना है, लेकिन मुझे पॉजिटिव वाइब्स है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जो कप्तान हूँगा, बाकी अल्लाह मालिक है। और जहाँ तक रही परफॉर्मेंस की बात, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे टारगेट करते हैं, ठीक है अगर मैं परफॉर्मेंस ख़राब कर रहा हूँ तो आप देख लें परफॉर्मेंस आप सबके सामने, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर पूरा मेरी विकेट कीपर बैट्समैन के ऐसे से आप मेरी परफॉर्मेंस निकालेंगे तो आप सबके सामने अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, तो वो भी मेरी परफॉर्मेंस में ही काउंट होता है, मैं जाहिर सी बात है विकेट कीपर हूँ, अगर कैच करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस में काउंट होगा, 50s भी किए हैं, उसके अलावा ये कि अच्छा नहीं लगता कि आप कि अपनी परफॉर्मेंस गिनाए, बात यह कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच हम जीते 57/5 था, तो वहाँ मैंने ही ईच इनिंग 94 किया था, उसके बाद फिर मैंने 80 भी किया था, तो ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, हाँ उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो विनिंग परफॉर्मेंस हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो कोशिश करूँगा अपनी बैटिंग और कीपिंग से जरूर पाकिस्तान टीम को मैच जितवाऊँ। कोई डाउट है? क्योंकि क्योंकि बात यह है कि देखें हम लोग, मैं साउथ अफ्रीका में था, मैं वहाँ पे उस सिलसिले वाकई के बाद 3-4 दिन रहा, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई, और ना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गया तो वहाँ भी ऐसा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई, तो ठीक है अब जो चीज़ हो गई वो हो गई, अब उस पर पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इंशाल्लाह आगे देखना है हमें इंशाल्लाह, और इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है और इंशाल्लाह आगे जाकर चीज़ों को बेहतर करना है। नहीं देखें जाती तो देखें किसी के साथ में जो टीम का एक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है आमिर की आपने बात की, तो आमिर ने जो है अगर आप ठीक है जब टीम से बाहर हुआ था अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही बाहर हुआ था, फिर के बाद जब वापस आया तो डोमेस्टिक में उसने अच्छी बॉलिंग की थी, उसको चेक किया गया सेलेक्टर ने कि कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कोई लड़का बाहर है, जुनैद खान भी जो है वो टीम का मेन बॉलर है, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सीरीज़ों में ऐसा हुआ कि आपने देखा कि उनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ कि वो जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आए तो जो हमें रिपोर्ट मिली गई थी कि वो शायद जो डोमेस्टिक के 2 मैचेस नहीं खेले उनको शायद इंजरी थी, जो कि वो इंजरी कैरी कर रहे थे वहाँ पे आकर, फिर उसको पहले मैच के बाद वो इंजरी और ज़्यादा बढ़ गई, तो ऐसा नहीं है कि जुनैद खान के साथ ज्यादती हो रही, वो भी हमारे टीम का मेन बॉलर है, इंशाल्लाह जो आगे हमारी सीरीज़ आएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले जितने भी हमारे सारे 6-7-8 बॉलर हैं इन सबको ज़रूर ट्राई करेंगे और इन्हीं में से ही हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनेगा। और दूसरा आपने क्या वो आमिर का देखा, मैंने बताया ना कि वो सारे लड़के जो हैं वो पाइपलाइन में, अभी देखें ना इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट के बाद
जितने भी वनडे या T20 हुए सब रोटेशन पॉलिसी के तहत जो सब खेले खेले हसन भी 2-3 मैच खेले, उनको रेस्ट दिया गया। उसके बाद शाहीन शनवारी, आपने देखा कि T20 मैच में उनको 4 मैच खेले, वो नहीं खेले। तो सारे बॉलर जो हैं वो लाइन में हैं, इसी तरह जुनैद खान भी जो है वो लाइन में आएंगे इंशाल्लाह। जो टीम के लिए बेस्ट पॉसिबल 5 फास्ट बॉलर होंगे वही इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जाएंगे। देखिए जहाँ तक रही टीम स्पिरिट की बात, तो लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी टीम की स्पिरिट ख़राब है। चाहे मैं कप्तान था या अभी शुएब भाई भी कप्तानी कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि टीम की स्पिरिट अच्छी है और टीम लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप T20 की भी बात करते हैं, जिस तरीके से हमारे 15 ओवर अच्छे नहीं हुए थे लेकिन बॉलर जो है वो दोबारा आखिरी 5 ओवर में कम बैक किया और टीम लड़ती हुई दिखाई दी। एक छोटी सी मिस्टेक बीच में अगर हो नहीं होती तो शायद हम वो ये मैच भी जीत जाते। तो जहाँ तक रही टीम स्पिरिट की बात, तो टीम स्पिरिट टीम की बहुत अच्छी है, लड़कों का मोराल बहुत अच्छा हाई है। और जहाँ तक रही बात ठीक है जो छोटी बहुत बाजे की खबर बाहर आती है, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि टीम का माहौल ख़राब होता है। लड़के बहुत अच्छे हैं, दूसरे को बैक कर रहे हैं और टीम का माहौल बहुत अच्छा है। देखिए ऑब्वियसली चाहे मैं होता कोई भी होता, ऑब्वियसली जो वालदा होती हैं वो परेशान ज़रूर होती हैं कि उनको नहीं आइडिया कि क्या हुआ। जाहिर सी बात है उनका भी ये होता है, हर माँ का क्या होता है, हाय इतनी सी बात को मेरे बच्चे को बिला वजह इतना बुरा भला कह दिया, जो हर वालदा का होता है। तो उनका 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 भी यही रिएक्शन था जो कि हर माँ बाप का होता है। तो ठीक है, उनको समझा दिया, उन्होंने बोला ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा है और इंशाल्लाह हमें इससे आगे बढ़ना है। और जहाँ तक रही कोयटा की बात, तो इंशाल्लाह देखें तैयारी कर रहे हैं, ये टाइम मिला है और वहाँ पे जाके भी अभी इंशाल्लाह 10 तारीख को टीमें पहुँच रही हैं वहाँ पे, तो 4 दिन होंगे इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे और एक नए जज्बे के साथ जो है वो PSL में उतरेंगे। बस मैं यही कहूंगा कि जो लोग मुझे चाहते हैं या जो मुझे देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में या एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं, बस दुआ करें इंशाल्लाह चीज़ें अभी भी अच्छी हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी ही होंगी। कल मैं इज्तिमा में गया था तो मुझे सईद भाई ने काफ़ी अच्छे से समझा दिया, तो ठीक है जो चीज़ें हो गई उनके मेरे दिल में कोई बात नहीं है, ना पहले थी ना अभी है। अगर उनके दिल में कोई बात होगी तो माफ़ करें, दरगुजर करें और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। मैं भी पाकिस्तान टीम से खेलता हूं तो मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जहां तक रही बात वर्ल्ड कप की, तो देखें रमज़ान जो है वो पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप ले लें चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी ले लें। तो इंशाल्लाह लड़के अपनी मेहनत तो करेंगे लेकिन रमज़ान भी इंशाल्लाह अपना काम दिखाएगा। देखें इस बारे में आई थिंक PCB का ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा बता सकते हैं कि उनका क्या स्टांस है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मुझे नहीं मालूम। जितना हमें पता था, जितना मुझे PCB ने कहा कि जो हम चीज़ कर सकते थे वो हमने चीज़ें की और वो आप सबके सामने ही है। आई थिंक PCB को रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे और उनका जो स्टांस है वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन PCB ने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं देखिए मैं उनके साथ खेल चुका हूँ और दोनों के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मुझे तो खुशी इस बात की है कि दोनों पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर हैं वो दोनों हमारी टीम से खेलेंगे और हम कोशिश करेंगे उन दोनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जहाँ तक रही बात हैंडल करने की, तो मुझे ऐसा कभी भी कोई इशू नहीं हुआ, दोनों जो हैं मेरी कप्तानी में भी खेलें तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अहमद उससे पहले हमारे साथ 2 साल भी खेल चुके हैं
तो मुझे तो खुशी इस बात की कि दोनों पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हमारी टीम में मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कोटा के लिए इस बार ज़रूर अच्छा होगा इन दोनों के होने से। कल जुबैर भाई शादी में बैठे हुए थे, क्या यार तुम्हारी तस्वीर लगी है? मैंने कहा जुबैर भाई सोशल मीडिया का दौर है, वो तस्वीर जो है किसी ने एडिट की है, मेरी तस्वीर नहीं है। मैंने बोला तो बात रही दूसरी के देखें, टीम ने अच्छी फाइट की, अच्छी चीज़ ये कि टीम लड़ती हुई नज़र आई है, टीम लड़ती हुई नज़र आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी टीम फाइट करती हुई नजर आए। 200 का टारगेट जो है वो आसान नहीं था बिल्कुल भी, और जिस तरीके से टीम ने स्टार्ट किया टीम लड़ती हुई दिखाई दी, तो सबसे खुशाइन बात ये कि टीम लड़ी, यही इंपॉर्टेंट मैटर चीज़ है कि टीम लड़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। ठीक है रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी हमने बनाया था, फिर उसको तोड़ा, फिर हमने दोबारा बनाया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा इसको आगे बना देंगे। और बस ये नेक ख्वाहिशात है टीम के साथ, इंशाल्लाह टीम हमारी अच्छी है और इंशाल्लाह ज़रूर अगले दो मैचों में कमबैक करेगी।